नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। वाराणसी में ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मामले में गुरुवार को मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट में बड़ा झटका मिला। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI पर रोक लगाने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस सर्वे से किसी को नुकसान नहीं होगा। साथ ही कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। एक तरह से हिंदू पक्ष की जीत माना जा रहा है, क्योंकि इस ASI के सर्वे से ही 350 पुरानी ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास सामने आएगा। संसद के मानसून सत्र में हंगामा जारी रहा। राज्यसभा में एक बार फिर मणिपुर मामले को लेकर गहमा गहमी दिखाई दी। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को घेरने में लगी हुई है। इसी बीच गुरुवार को राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस हुई। वहीं ठहाके भी लगते दिखे। भारत को इस महीने आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। जसप्रीत बुमराह 10 महीने बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। वापसी वाली सीरीज में ही बुमराह को कप्तान बनाया गया है। सभी फैंस की नजरें उनके प्रदर्शन पर टिकी होंगी। भारत के पूर्व स्टार बैटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि बुमराह का अनुभव टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। 2018 में रिलीज हुई सुपरहिट हॉलीवुड फिल्म मेक की सीक्वल मेक टू द ट्रेंच भले भारत में अमेरिका से एक दिन पहले 3 अगस्त को रिलीज होने का ऐलान काफी समय से हो गया हो, लेकिन एंड रिलीज के दिन इस फिल्म को लेकर मुंबई के सिनेमाघरों में स्थिति साफ नहीं रही। बुधवार की देर शाम तक फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हो सकी थी। देर रात बुक माई शो पोर्टल पर इसकी टिकटों की बिक्री शुरू तो हुई, लेकिन सुबह तक आलम यह था कि देश की सबसे बड़ी थिएटर श्रृंखला PVR INOX इसके प्रदर्शन के लिए तकनीकी रूप से तैयार नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले से ही यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे सिंह के खिलाफ अवैध खनन के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गुरुवार को जांच के आदेश दिए। बता दें, ब्रजभूषण के खिलाफ गोंडा के 3 गांव में अवैध खनन की शिकायतें दर्ज कराई थी। बिहार में जातिगत जनगणना कराने के नीतीश सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मंगलवार को ही पटना हाई कोर्ट के जातिगत जनगणना की मंजूरी दी थी। इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाई है। गौरतलब है कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जाति सर्वेक्षण पर 4 मई को अस्थायी रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने कहा था कि जाति आधारित डेटा का संग्रह संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत एक संवैधानिक आदेश है। सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार वैध लाइसेंस के आधार पर इन चीजों के समित आयात की अनुमति दी जाएगी। HSN 8741 के अंतर्गत आने वाले अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर भी पाबंदी लगाई गई है। संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए 12 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। सांसदों के हंगामे से सभापति ओम बिरला भी नाराज हैं और लोकसभा की कार्रवाई का संचालन नहीं कर रहे हैं। अब विपक्षी सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अपील की है कि लोकसभा सभापति ओम बिरला कार्रवाई का संचालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में पुणे के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने पुणे के प्रसिद्ध गणपति मंदिर में पूजा अर्चना की थी। मंदिर में पूजा के दौरान प्रधानमंत्री की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई और देखते ही देखते वायरल हो गए, जिसके बाद विपक्षी पार्टी के नेताओं ने पीएम मोदी पर निशाना साधना शुरू कर दिया और उन पर भगवान के कथित अपमान का आरोप लगा दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। हालांकि इस तस्वीर को लेकर पीएम मोदी विपक्षियों के निशाने पर आ गए। सनी देओल और अमीषा पटेल की अपकमिंग फिल्म गदर 2 इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में है। बीते दिन इससे रिलीज हुए गाने ऊर्जा काले कावा के रिप्राइज्ड वर्जन ने दर्शकों का दिल जीता। वहीं अब निर्माताओं ने मैं निकला गड्डी लेके का नया वर्जन रिलीज कर दिया है। यह गाना 2 दशक पहले एक चार्ट बस्टर था। वहीं इसका नया वर्जन भी काबिले तारीफ है। गाना जारी होने के साथ ही यूट्यूब पर छा गया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।